सत्ता संपादकीय गति 110 शब्द प्रति मिनट. बी रेडी. 3, 2, 1 स्टार्ट. रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ताजा भारत यात्रा से दोनों देशों के पुराने रिश्तों को और मजबूती मिली है. स्टॉप. पुतिन के साथ वहां के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री भी आए और अपने भारतीय समकक्षियों से मुलाकात की. स्टॉप. इस मुलाकात में रक्षा, व्यापार, कौमा, ऊर्जा आदि क्षेत्रों में सहयोग को लेकर कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए. स्टॉप. हालांकि भारत पहले ही रूस से S-400 मिसाइल प्रणाली खरीद और AK-203 राइफल बनाने के लिए लाइसेंस प्राप्त कर चुका है, कौमा, पर पुतिन की इस यात्रा में आगे के वर्षों को ध्यान में रखते हुए भी रणनीति तय की गई, कौमा, जो एक बहुत महत्वपूर्ण है. स्टॉप. हालांकि रूस के साथ भारत के ये रक्षा सौदे नहीं हैं. बहुत पहले से वह उससे रक्षा उपकरण खरीदता आ रहा है. स्टॉप. हालांकि बीच के कुछ वर्षों में अमेरिका, कौमा, फ्रांस और इजराइल से भी कुछ रक्षा सौदे होने की वजह से रूस से उपकरणों की खरीद कम हो गई थी, कौमा, पर अब मिसाइल प्रणाली खरीदने और अत्याधुनिक राइफल भारत में ही बनाने का लाइसेंस मिल जाने के बाद फिर से दोनों देशों के बीच रक्षा सौदों के मामले में बेहतर रिश्ते बन गए हैं. स्टॉप. हालांकि अमेरिका शुरू से दबाव बनाता आ रहा था कि भारत मिसाइल प्रणाली रूस से न खरीदे, कौमा, मगर भारत ने उसका दबाव नहीं माना. स्टॉप. वह मिसाइल प्रणाली जल्दी भारत पहुंचने वाली है. स्टॉप. पैरा. रक्षा सौदों के अलावा ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में भारत की ज़रूरतों के लिहाज से भी रूस के साथ प्रगाढ़ हो रहे रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण हैं. स्टॉप. चीन और अमेरिका पर भारत की निर्भरता बढ़ना महत्वपूर्ण है, भरोसेमंद नहीं हो सकती. रूस और भारत बहुत पुराने मित्र हैं और हर गाढ़े वक्त में रूस भारत के काम आया है, कौमा, जैसा कि पुतिन के साथ मुलाकात के वक्त प्रधानमंत्री ने उल्लेख भी किया कि किस तरह कोविड के समय रूस ने हमारी मदद की. स्टॉप. चीन और अमेरिका विस्तारवादी नीतियों पर चलने वाले देश हैं, इसलिए उन्हें रूस के साथ भारत की दोस्ती सदा खटकती रहती है. स्टॉप. स्वाभाविक ही पुतिन की इस यात्रा पर इन दोनों देशों की नज़र लगी हुई थी. स्टॉप. इसकी वजह केवल रक्षा सौदे नहीं, कौमा, कूटनीतिक पहलू भी है. स्टॉप. हालांकि चीन और रूस के संबंध बेहतर हैं, कौमा, फिर भी कई मामलों में दोनों के बीच तनातनी बनी रहती है. स्टॉप. जैसे यूरेशिया में दोनों एक दूसरे की पैठ नहीं बनने देना चाहते. स्टॉप. फिर चीन के साथ सीमा पर भारत के जो तनावपूर्ण रिश्ते रहते हैं, कौमा, उससे भी वह रूस की भारत की नज़दीकी नहीं देखना चाहता. स्टॉप. पैरा. पिछले कुछ सालों में अमेरिका के साथ भारत के संबंध प्रगाढ़ हुए हैं, कौमा, कई मामलों में अमेरिका ने भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था पर भरोसा भी जताया है, कौमा, मगर रूस के साथ उसके तनावपूर्ण रिश्ते ही रहे हैं, कौमा, इसलिए वह नहीं चाहता कि भारत उस पर से निर्भरता छोड़कर रूस के साथ संबंध बनाए रखे. स्टॉप. वह चाहता है कि व्यापार, कौमा, ऊर्जा और सामरिक मामलों में भारत उसी पर निर्भर रहे. स्टॉप. मगर भारत ने उसका यह दबाव न मानकर एक तरह से बड़ा कूटनीतिक दांव खेला है. स्टॉप. रूस से रिश्ते मजबूत करने की ज़रूरत इसलिए भी थी कि
अफगानिस्तान में उसे अपनी उपस्थिति बनाए रखनी है, स्टॉप। फिर चीन की विस्तारवादी नीतियों को भी इससे चुनौती मिलेगी, कॉमा, क्योंकि वह भी अफगानिस्तान में अपनी पैठ बनाए हुए है, स्टॉप। रूस के साथ यह दोस्ती संयुक्त राष्ट्र में भी भारत की स्थिति मजबूत करेगी, स्टॉप। न सिर्फ भारत के लिए, कॉमा, बल्कि रूस के लिए भी पुतिन की यह यात्रा लाभदायक साबित होगी, स्टॉप। पैरा, आम जनजीवन में साफ सफाई के संदेश लोगों को आकर्षित करते हैं, कॉमा, लेकिन इस मसले पर अपेक्षित संवेदनशीलता और जागरूकता का अभाव दिखता है, स्टॉप। कई बार लोग स्वच्छता पर केंद्रित अभियानों में शामिल होते हैं, कॉमा, बहुत प्रेरक बातें करते हैं, कॉमा, मगर निजी स्तर पर जब कुछ ठोस करने का मौका आता है तब या तो वे उदासीन रहते हैं या फिर लापरवाही बरतते हैं, स्टॉप। हालांकि स्वच्छता के लिए जागरूकता अभियान का मतलब ही नहीं है कि समाज इस मामले में पर्याप्त गंभीर नहीं है, स्टॉप। एक सभ्य समाज में स्वच्छता जीवन मूल्य होना चाहिए, स्टॉप। इसलिए हमारे देश में साफ सफाई को लेकर चलने वाले कार्यक्रम और जारी होने वाले संदेशों को उस मूल्य तक पहुंचाने को एक प्रक्रिया कहा जा सकता है, स्टॉप। अगर आम लोग अपने स्तर पर स्वच्छता अभियानों के मूल संदेश को समझ सकें तो शायद सांस्कृतिक स्तर पर भी इस मूल्य का विस्तार हो सकेगा, कॉमा, वरना इसकी अहमियत सिर्फ विज्ञापन तक सीमित रहेगी, स्टॉप। पैरा, इस लिहाज से देखा जाए तो इंदौर में हुई ताजा पहल ने स्वच्छता और पर्यावरण के प्रति फिक्रमंद सभी संवेदनशील लोगों का ध्यान खींचा है, स्टॉप। वहां माचल गांव में हुई एक शादी में शून्य कचरा सिद्धांत के आधार पर पूरी व्यवस्था की गई, स्टॉप। इस विवाह के युगल आईआईटी से पढ़ाई कर चुके हैं, कॉमा, उन्होंने तय किया था कि वे अपनी शादी के आयोजन में किसी भी स्तर पर कचरा जमा होने की गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे, स्टॉप। इसके लिए विवाह समारोह के दौरान ई कार्ड बांटने, कॉमा, खाने पीने के लिए बर्तन आदि से लेकर तमाम व्यवस्थाएं ऐसी की गई, कॉमा, जिसमें किसी वस्तु को कचरा के रूप में जमा नहीं करना पड़ा, स्टॉप। 2 दिन चले समारोह के दौरान सिर्फ 40 किलो गीला कचरा निकला और इसका निपटान करके खाद में तब्दील करने की व्यवस्था भी विवाह स्थल पर ही की गई थी, स्टॉप। जबकि आमतौर पर ऐसे एक समारोह में कई 100 किलो कचरा निकाला है, यानी साधारण से दिखने वाले एक विचार ने महत्वपूर्ण प्रयोग का रूप ले लिया और खाने के सामान की बर्बादी को रोकने के साथ साथ बाकी कचरे से भी बचने का एक बेहतर विकल्प मुहैया कराया गया, स्टॉप। पैरा, विडंबना है कि हमारे यहाँ विवाह समारोह सहित ज़्यादातर आयोजन में शायद ही कभी इस पहलू पर विचार किया जाता है कि खाने पीने की चीज़ें, कॉमा, उसमें इस्तेमाल होने वाली वस्तुएं कैसे कचरे में तब्दील होकर हमें और हमारे आसपास के माहौल या आबो हवा को प्रदूषित करती हैं, स्टॉप। इसका असर केवल गंदगी फैलाने या फिर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के तौर पर सामने नहीं आता, कॉमा, बल्कि इस समस्या की अनदेखी या इसे लेकर सहज होने की प्रवृत्ति ने हमारी रोजमर्रा की आदतों तक को दूषित कर दिया है, कॉमा, जिसमें हम हर स्तर पर कचरा फैलाने वाले सामान सहित बचे हुए खाद्य पदार्थ जहां तहां फेंक देने को एक आम गतिविधि के तौर पर देखते हैं, स्टॉप।
इस तरह की लापरवाही अगर हमारी आदतों में घुल जाती है कॉमा, तो इसका दीर्घकालिक नुकसान हमारे समाज को उठाना पड़ता है स्टॉप। अफसोस की बात है कि आज समारोह में कचरा फैलाने के काम में पढ़े लिखे और सलीकेदार दिखने वाले लोग ही ज़्यादा लिप्त पाए जाते हैं स्टॉप। बहरहाल कॉमा, इंदौर को पहले भी स्वच्छ शहर का तमगा हासिल करने वाले इलाके के तौर पर जाना जाता रहा है कॉमा, मगर अब आम नागरिक के स्तर पर होने वाली ताज़ा पहलकदमी अगर एक चलन के रूप में विकसित होती है कॉमा, तो निश्चित तौर पर यह एक नई स्वच्छता की संस्कृति का वाहक बनेगी स्टॉप।